नमस्कार, आप सबका स्वागत है। कॉमेडियन से एक्टर बने कपिल शर्मा को अपनी फिल्म फिरंगी के कारण 30 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा लगा है। बीते शुक्रवार रिलीज हुई डायरेक्टर राजीव ढींगरा की फिल्म में कपिल ने 40 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, जबकि यह अब तक 10 करोड़ रुपए भी नहीं कमा सकी है। सूत्रों की माने तो फिल्म के फ्लॉप होने की वजह से कपिल एक बार फिर डिप्रेशन में चले गए हैं। सूत्र बताते हैं कि कपिल ने स्पॉन्सर से वादा किया था कि उनकी फिल्म सक्सेसफुल रहेगी। उनका कहना था कि फिल्म कम से कम 50 करोड़ रुपए तो बॉक्स ऑफिस पर कमा ही लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मुंह के बल गिरी। फिल्म के इस तरह के अंजाम की कल्पना भी कपिल ने नहीं की थी। उन्होंने अच्छे रिव्यूज की उम्मीद की थी और इसी को आधार बनाते हुए फिल्म की रिलीज के बाद के लिए कुछ प्रमोशनल एक्टिविटीज प्लान की थी। हालांकि अब उन्होंने सारे प्लान कैंसिल कर दिए हैं। इनफैक्ट कपिल एक न्यूज चैनल की असेंबली का हिस्सा बनने वाले भी थे। इसके लिए चैनल की ओर से कपिल को फ्लाइट के टिकट से लेकर सारी सुविधाओं का अरेंजमेंट किया गया था, लेकिन एंड मौके पर कपिल ने इवेंट कैंसिल कर दिया, जिसकी वजह से चैनल को पूरा का पूरा शो ही रोकना पड़ा। कथित तौर पर कपिल शर्मा लोगों से मिलना अवॉइड कर रहे हैं। वे बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं। कपिल के फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स उन्हें स्ट्रेस फ्री सिचुएशन में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिरंगी का जब ट्रेलर लॉन्च हुआ था, तब कपिल ने मार्च में सुनील ग्रोवर और चंदन प्रभाकर से हुए झगड़े पर खुलकर बात की थी। उन्होंने बताया था कि जब वे ऑस्ट्रेलिया में शो करके लौट रहे थे, तब काफी परेशान थे। उन्होंने यह भी कहा था कि सुनील से झगड़े के बाद खुद पर लग रहे आरोपों की वजह से वे डिप्रेशन में चले गए थे और उन्होंने सुसाइड का मन बना लिया था। कपिल ने कहा था, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे मन बदलने के लिए सीसाइड अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के लिए कहा। मैंने जब उसके घर की बेलकोनी से समंदर का नजारा देखा तो मेरे मन में ख्याल आया कि यहीं से छलांग लगा दूं। मैं काफी डिप्रेस हो गया था। मुझे ऐसे लगता था जैसे मैं पूरी दुनिया के निशाने पर हूं। कपिल ने यह भी बताया था कि डिप्रेशन से निकलने के लिए वे बेंगलुरु के एक आयुर्वेदिक सेंटर भी गए थे और वहां करीब 3 महीने रहे।